हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी शिक्षकों के लिए जो 2016 में इसकी वैकेंसी निकली थी, बिग अपडेट है। बिग अपडेट ये है कि जेएसएससी कहते रह गया कि अब मैं अपना जो है ये काम हो गया, मैं मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, अब इसको वापस लिया जाए। साफ कोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कोर्ट ने कि आप कट ऑफ दिखाइए और इसको सार्वजनिक कीजिए। जेएसएससी के विषय और कोटिवार सूची देने का निर्देश कोर्ट ने शिक्षक भर्ती का कट ऑफ मांगा। दोस्तों, जानते हैं 2016 में जो हाईस्कूल की शिक्षक नियुक्ति निकली थी वो कई जिलों के लिए, आधा से अधिक जिलों के लिए, सिर्फ वहीं के लिए एकदम रिजर्व कर दी गई और वहीं का कैंडिडेट उसमें भर सकते थे। मतलब एक राज्य का कैंडिडेट भी उस जिला में नहीं भर सकते थे, तो कुछ उस टाइप के अनुसूचित जिलों में भरने के लिए जब नियम बना दिया गया तो बाकी तो नहीं भरते, तो इसे तो वाहभोग की स्थिति हो गई कि भाई बाकी भरेंगे कहाँ, क्योंकि कुछ जो बच गए उसमें से बाकी पूरे स्टेट के लिए और कुछ रिजर्व हो गया सिर्फ उसी जिला के लिए। ऐसा नियमावली बनता है, देखिए कैसा कैसा नियमावली बना। तो इसको लेकर ये जो सोनी कुमारी जो प्रार्थी थी वो हाईकोर्ट चली गई, तो हाईकोर्ट ने इसको गलत बताया कि नियोजन नीति गलत है और स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए कहा गया था। फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बोला और बोला कि आप स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कीजिए पूरा स्टेट और उसके आधार पर नियुक्ति लीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया और देखिए उसका फल ये हुआ कि कुछ ऐसा भी कैंडिडेट मिले जो कि कट ऑफ से जिसका ज़्यादा था उसका नहीं हुआ, ऐसा ऐसा भी उदाहरण दिया गया। अब ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट जेएसएससी निकाली तो उसमें प्रार्थियों को कुछ आपत्ति थी, आपत्ति ये थी कि भाई कट ऑफ जो है आपका कट ऑफ से जब ज़्यादा मार्क्स है तो उसका क्यों नहीं हुआ। इसलिए हाईकोर्ट ने फिर बोला कि स्टेट मेरिट लिस्ट आप फिर दिखाइए और बताइए, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जब आपको सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा, फिर हाई कोर्ट भी कहा, तो आपने क्यों नहीं बनाया और कट ऑफ से ज़्यादा वाला का क्यों नहीं हुआ, कितना बचा है, कितनों का हुआ, तो आप टोटल एक एक जानकारी हमको दीजिए। देखिए, देखते हैं हम लोग। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य सरकार से राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चार्ट के माध्यम से कोटिवार और विषयवार कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। भाग रही थी सरकार, बोल रही थी कि ठीक है याचिका आपस ले लिया जाए, अब तो हो गया, मैं तो स्टेट मेरिट लिस्ट बन दिखा दिया, कोर्ट बोलेगा तो आपको सामने दिखाऊंगा, ये सबको दिखाना ये सही नहीं है, सब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वाह, अपने देखने के लिए मेरिट लिस्ट बनाया गया जेएसएससी अपने ये ऑफिस में रखने के लिए, तो देखिए धजी उड़ा दिया कोर्ट ने, बोला कि नहीं आपको दिखाना होगा। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने पूछा, अब तक कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई और कब हुई, प्रार्थियों से भी अदालत ने अपना अंक और स्थान के स्थान पर बताने को कहा। प्रार्थियों से भी अदालत ने अपना अंक और स्थान के साथ यह बताने को कहा कि उसका रैंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कितना ऊपर है, बहुत का ऊपर है और नहीं हुआ है। अदालत ने यह निर्देश स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मेरिट लिस्ट की आपत्ति से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को, देखिए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर की होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से बताया गया कि जेएसएससी की ओर से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस पर प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि कट ऑफ से कम मार्क्स वालों का भी चयन हो गया है। सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों की नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति कब, और इस संबंध में मीना कुमारी, देखिए मीना कुमारी भी की थी, सहित अन्य हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, मामले में विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्त करने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, लेकिन उसको नहीं माना। वाह सरकार,
प्रार्थी की ओर से प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स प्रार्थियों ने लाए हैं, मगर अगर हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्तियाँ बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। सीट बचा है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। 24 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। वर्ष 2016 की मेरिट लिस्ट पर कुछ अभ्यर्थियों ने जताई है आपत्ति। प्रार्थियों से कम अंक लाने वालों के नाम शामिल करने का आरोप। अधिक अंक लाने पर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं किया गया। वर्ष 2016 में, देखिए वर्ष 2016 में नियुक्ति हुई थी। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जिलों के सभी पद उसी जिले के लिए आरक्षित करते हुए नियोजन नीति बनाई थी। इसी नीति के आधार पर वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सोनी कुमारी ने इस नीति को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर शिक्षक नियुक्ति भी रद्द की थी। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही बताया था, लेकिन नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था। देखिए नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था। प्रार्थियों का आरोप है कि सरकार ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं की, जो जिला का था वो कर दिया, लेकिन राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। तो ये रहा आज का बिग अपडेट। अगर नए हैं दोस्तों तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।